बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वयं सिद्धा नागपुर प्रांतीय दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा महिला प्रकोष्ठ की इकाई का गठन हुआ है। नेक काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ये जितने लोग हैं इन सब की अनुमोदना, इन सब का बहुमान कि ये लोग अच्छे काम के लिए, समाज में बेहतर करने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हुई है। मेरी बहनें और बच्चियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सेठी। क्या कुछ कहेंगी वर्षा? हम सभी महिलाएं, अभी हम लोगों ने अपना एक नया मंडल बनाया है। हमारे मंडल का नाम स्वयं सिद्धा है। हमारी नागपुर प्रांति की एक सभा है खंडेलवाल दिगंबर जैन महिला मंडल की, तो उसमें हम रायपुर प्रकोष्ठ की सारी महिलाएं हैं। हम सब मिलकर कुछ समाज सेवा का काम, कुछ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। उसी के लिए आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पे पोहा वितरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं या और भी कोई, जो सुबह हम सोच रहे हैं कि संडे को सुबह सुबह उनको अच्छा नाश्ता करवाएं, तो हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, भला करना। और भगवान हनुमान जी के निश्रा में है, हम लोग वहाँ ऊपर में देख रहे हैं दक्षिणमुखी बूढ़ा तालाब का ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कुछ नाम है आपका? रश्मि जैन बाकलीवान। श्रेया सेठी। मैं मंजू जैन। मोना जी कुछ कहना चाहती हैं? मंजू जी, यही कि अब नया मंडल बना है और इसकी दिनों दिन अच्छी प्रगति होगी, ऐसी पूरी आशा है हमको। मोना बढ़ जाते। ममता जैन। पिंकी गंगवाल। बोले जी। मैं आशा जैन। पिंकी कुछ कहना चाहती है आपकी? ये आशा जी बोल रही है। नहीं, हमारी महिला मंडल का गठन इसी सेवा भाव के नाम से किया गया है, ताकि हम महिलाओं को ये के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कुछ कर सकें। मैं रीना जैन सेठी। मैं ललिता जैन पाटोदी, नागपुर प्रांतीय दिगंबर जैन खंडेलवाल महिला प्रकोष्ठ रायपुर इकाई 8 जोन से। मैं चाहती थी कि सभी वर्ग के लोग, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब इसमें शामिल हो, और हम महिलाओं को, जो महिलाएं जो है गरीब, उनके उत्थान के लिए हम कुछ कार्य करें, उसके साथ में सेवा भाव के लिए भी हम आगे बढ़ें। और ये आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा है तपेश भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम हम आप ही के माध्यम से कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ना चाहिए, महिला शक्ति की बात है। अभी तो संसद में बिल भी पारित हो गया है कि 50% आरक्षण का मामला है, लेकिन समाज में जैसा भी लगता है मात्र शक्ति को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की, प्रेरणा देने की, उनको बेहतर करने की, और समाज में जो कुछ भी बेहतर करे, नेक काम करना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए, उस पहल का हिम्मत बढ़ाना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि और भी लोग आए। हमारा उद्देश्य ये प्रचार प्रसार नहीं रहता है, मैंने और पहले भी कहा है, लोग देखें और सीखें और प्रेरणा लें कि हमको भी कुछ करना है समाज के लिए। छोटा करें, बड़ा करें, जैसा भी करें, करना चाहिए, जो कि हमको मानव जीवन मिला है। और सारे साधु संत भी यही कहते हैं कि जो कुछ समय मिला है आपको मानव जीवन में, करिए, दूसरों के लिए थोड़ा भी सोचते हैं वही मानव है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर जी, और हमारे साथ में जैन खबर के आशीष जैन जी और उनके सुपुत्र कैमरा भी चलाते हैं, तन्मय भी उपस्थित है। तो बोलिए, हनुमान जी की निश्रा में हम लोग, और हनुमान जी का जैन समाज से भी बड़ा जुड़ाव है। तो बोलिए, हनुमान देव की जय।